एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें किलोमीटर लंबी मशीन है, सैकड़ों ड्रम है जिसमें मिट्टी का घोल बनाकर टाइल्स बनाई जाती है। ये पूरा प्लांट ऑटोमेटेड है। जब काम चलता है तो लगता है कि इंजन के पीछे टाइल्स के डब्बे दौड़े चले जा रहे हैं। जब मुड़ना है मुड़ती है, पलटना है पलटती है, ऐसी दिन भर में लाखों टाइल्स बनती है। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत से प्रोडक्शन को। अच्छा थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सनी पटेल फ्रॉम कॉलेज ग्रेनाइट। अभी हम 2x4 GVT मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की आपको क्या जरूरत पड़ती है? थोड़ा बहुत मार्बल का स्लरी भी आता है। अच्छा, बाकी सब एक्स्ट्रा अलग अलग माइंस का आइटम आता है। ये होपर है अपना। ओके, इसमें उसके कंपोजिशन के मुताबिक परसेंटेज वाइज इसको लोड किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अनलोडिंग होता है। अब वहाँ से कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हमारा रॉ मटेरियल धीरे धीरे ट्रेवल करके पहुँचता है आगे की तरफ। फिर वहाँ पर दूसरी कन्वेयर बेल्ट की सहायता से पहुँच जाता है इन बड़े बड़े ड्रमों के अंदर। इनके अंदर छोटे छोटे पत्थर भी डले हुए हैं। अब ये क्या काम करते हैं वो बताएंगे हमें पटेल साहब। जो अपना लम्स और पाउडर फॉर्म आता है ना, उसको लिक्विड के साथ मिक्स करके फाइन स्लरी बनाता है। अब इन ड्रमों के अंदर स्लेरी बनने के बाद इस बड़े से पाइप के द्वारा ये कनेक्टेड है अंडरग्राउंड बने टैंकों से। वहां पर बना स्लेरी इन पाइपों के द्वारा सारा अंडरग्राउंड पहुंच जाता है। ये लगातार पंखड़ी ऐसी घूमती रहती है जो कि इस मोटर के द्वारा कनेक्टेड है। हर एक टैंक का एक अलग मोटर से कनेक्शन है और वो लगातार इन पंखड़ियों को ऐसे ही घुमाता रहता है। ये सेफ्टी टैंक है। अच्छा, तो जो लिक्विड फॉर्म है उसका ग्रेन्युलेशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली ये वो मटेरियल है जिससे टाइल्स बनती है आपकी। ये बॉडी मटेरियल टाइल्स का। ये देख सकते हैं कन्वेयर बेल्ट की सहायता से आगे गया, पाउडर इस छन्नी के अंदर आया और फिर छन के इस कन्वेयर बेल्ट पे आ गया। तो ये अब ऑलमोस्ट हम रेडी हैं टाइल्स बनाने के लिए आगे प्रोसेस के लिए। इसको सिर्फ प्रेसिंग पे जाना है। अब यहाँ पर शुरू होगा असली काम। बेसिकली एक प्रेसिंग मशीन है जिसके अंदर पाउडर हमारा पीछे से आ चुका है। अब ये इस पाउडर को कन्वर्ट कर देगी पत्थर में। पीछे से हमारा वो एक रेत की फॉर्म में मटेरियल आता है, उसके ऊपर एक परत बिछ जाती है, फिर ये एक प्रेस करता है, फिर एक ये जो है टाइल्स की फॉर्म बना देती है। टाइल्स बनने के बाद ये थोड़ी आगे की तरफ चलती है एक मशीन के ऊपर जो कि इसको पलटने का काम करती है जिससे थोड़ी बहुत इसकी धूल मट्टी हट सके। उसके बाद ये अगली मशीन में जाती है जिसको डस्ट रिमूवर बोला जाता है। इसमें बड़े बड़े गोल गोल ब्रश लगे होते हैं ताकि टाइल्स के ऊपर लगी धूल मट्टी डस्ट बिल्कुल हट सके। ये प्रॉपर तरीके से ऐसी लगातार घूमते रहते हैं और इसकी सफाई का काम करते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट की सहायता से टाइल्स ये आगे की तरफ निकल जाती है। उसके बाद टाइल्स पहुंच जाती है इस बड़ी सी किलोमीटर लंबी मशीन के अंदर जिसमें बड़े से पाइपों के द्वारा गर्म हवा पहुंचाई जाती है जिसकी वजह से टाइल्स का मॉइस्चर कम हो जाता है और दूसरी तरफ से सूखी हुई टाइल्स बाहर निकल जाती हैं। अब यहां से टाइल्स निकलने के बाद पहुंच जाते हैं इस मेट्रो स्टेशन की तरह दिखने वाले टाइल्स स्टेशन पर जिसकी पटरियों पर ये टाइल्स लगातार ऐसे ही घूमती रहती है। लगभग 2 किलोमीटर का एक राउंड ये लेती हैं और ऊपर लगे टाइमर हमें बताता है कि ये किस टेंपरेचर पर गर्म हो रही है। ये पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। अब ये 2-4 किलोमीटर का राउंड लेके टाइल्स जो है बिल्कुल गरम-गरम हमारे यहां तक पहुंच चुकी हैं। धीरे धीरे कुछ ठंडी भी हो चुकी हैं। यहाँ पर एक कोटिंग की जाएगी। ये आप देख सकते हैं एक स्लेज जो है इनका ये तैयार हो रहा है मटेरियल जिसकी कोटिंग इन टाइल्स के ऊपर की जाती है। अब ये काम कैसे करता है ये देखेगा। इन पाइपों की सहायता से ये जो कनेक्टिंग है काले वाला पाइप, इसकी सहायता से यहाँ पर पहुँचेगा ये मटेरियल। वहाँ से ये जो परत से आप देख रहे हैं ये इनका वही मटेरियल है लिक्विड जिसकी परत इस टाइल्स के ऊपर चढ़ाई जाएगी। उस साइड से टाइल्स सूखी हुई निकलेंगी और इस साइड से टाइल्स गीली हुई निकलेंगी। लेयर चढ़ने के बाद ये टाइल्स फिर से आगे की तरफ गई, वहाँ पे एक और लेयर चढ़ी, फिर उसके बाद आगे की तरफ गई। वो जो टाइल्स पे डिजाइन होता है वो कैसे डलता है? वो ये अपना प्रिंटिंग होगा। यहाँ अगर आप टाइल्स देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको एक कलर की प्लेन नजर आएंगी। ये एक मशीन है जिसके अंदर प्रिंटिंग होती है, एक प्रोग्रामिंग सेट होती है, कलर डाला जाता है। ये इनका कंप्यूटर है, इसमें अपना पूरा सिस्टम ये कंट्रोल करते हैं। और इधर से इस कलर से होते हुए ये देखेगा कितना खूबसूरत सा डिजाइन हमारी टाइल्स का आ गया है। जब ये टाइल्स जो है प्रिंट होकर आती हैं, फिर से इसके ऊपर जो इंक लगी हुई है प्रिंट वाली उसको सुखाया जाता है। आगे की तरफ जो ये आप देख रहे हैं एक ड्रायर है सामने जिसके अंदर से ये होकर हमारी टाइल्स गुजरती है और वो प्रिंट सूख जाता है। इसके बाद अब ये फायरिंग प्रोसेस के लिए जा रही है। फायरिंग प्रोसेस के लिए। इसको हम किलन बोलते हैं। ये जो मशीन है ये अपना कंपोजिटर है। अच्छा, ये टाइल को स्टोर करती है। अच्छा, जैसे ये परत बनी हुई है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। यस जी, ये लेयर में इसको स्टोर किया जाता है ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस बरकरार रहे। सामने बर्नर से गैस निकल रही है और फायरिंग हो रहा है। अच्छा, वो गैस से इसके नीचे से टाइल्स निकल रही है बेसिकली। ये रोल पे टाइल्स चल रही है इस वाली नीचे पे। और ऊपर दोनों की ओर से गैस का फायरिंग हो रहा है। टेम्परेचर कितना होगा लगभग? 1100 से 1200 डिग्री। 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे की तरफ चल के देखते हैं कि आखिर फाइनल प्रोडक्ट कैसे निकल गया। यहाँ पर फायरिंग और सूखने के बाद टाइल्स का ये आखिरी प्रोसेस है। इसके बाद सिर्फ पॉलिशिंग होगी। यहाँ आप देखेंगे उस मशीन से अंदर से इस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से टाइल्स निकलती हैं, यहाँ आती हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से इस साइड में बाहर निकल जाती हैं। और बाहर निकलने के बाद ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको यहाँ पर इजीली कलेक्ट कर लिया जाता है। ये देखिए टाइल्स ठंडी होने के बाद ये एक एक टाइल्स को इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ चलती है और ये पॉलिश होती है। पानी डाला जा रहा है
तो ये पानी नीचे जाता होगा, इसको आप रीयूज कर लेते हो। पानी में टाइल्स भीगने के बाद यहाँ पर आगे की तरफ चलती है और यहाँ कमाल की चीज आप देखेंगे, ये ऑटोमेटिक तरीके से इस टाइल्स को घुमा देता है। फिर ये थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और दोनों साइड ये छोटी छोटी बेल्ट लगी हुई है जो इन टाइल्स को आगे की तरफ धकेल रही है। इनके अंदर मोटर लगे हुए हैं, ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन जो टाइल्स का बचता है उसकी कटिंग करके ये आगे की तरफ दूसरी साइड निकाल देता है। इसमें एब्रेसिव लगा हुआ होता है, जैसे ये नीचे सरफेस को पॉलिश करती है, इस तरह जो सरफेस को पॉलिश कर रही है। तो ये तो नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही अभी? क्योंकि ये मैट का प्रोडक्शन चल रहा है। अच्छा, इसमें सरफेस को पॉलिश करना नहीं। और इस साइड से यहाँ पर ये मैट फिनिशिंग होने के बाद यहाँ आप देखेंगे ये टाइल जो है वो थोड़ी गीली निकलेंगी। यहाँ पर ये एक तरीके से वाइपर का काम कर रहा है, और यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सूखी हुई टाइल्स निकल के आ जाएंगी। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और ये इसमें चमक इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्लोसी फिनिश नहीं है, ये मैट है। ये क्योंकि इतना ही चमकदार होता है, ज्यादा नहीं होता। ये शॉर्टिंग कर रहा है। अच्छा, जो टाइल्स में कुछ फॉल्ट होता है, कुछ डैमेज होता है, तो उस टाइल्स को रिमूव करने के लिए इस पर मार्किंग कर देता है। ये मतलब बिल्कुल इनकी निगाहें ऐसी गड़ी रहती है, बारीक बिल्कुल। यहाँ पे ये कोई आपकी डिस्प्ले है जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं? ओके, थोड़ा सा डिफाइन करिए, बताइए हमें कैसे ये है। ये भी ग्लोसी है, इसमें ये अपना मल्टी कलर सेगमेंट है, ये अपना रेगुलर कलर वाला सेगमेंट है। ओके, तो ये सब मोस्टली फ्लोर टाइल्स दोनों में चलता है, फ्लोर और वॉल। अच्छा, फोल्ट आ चुका है, ये जो बड़ी साइज है वो हॉल में भी लगती है, फ्लोर में भी लगती है। और तमाम तरह की यहाँ पर डिस्प्ले जो है लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने की तरफ पूरा सारे में आपको ये टाइल्स ही टाइल्स नजर आ रहे हैं। पोलेंस ग्रैनिटो करके इनकी जो है कंपनी है, ये फॉरेस्ट मून, ये एक डिजाइन का नाम, ये अपनी डिजाइन का नाम है, डिजाइन का नाम, जैसे इसका फ्यूजन ब्लैक है, इसका फॉरेस्ट मून है। और बाकी अगर आपको ये सब खरीदनी है, ये अपने टाइल्स देखनी है, तो आप मोरबी में आके पोलेंस फैक्ट्री के अंदर आके आप संपर्क कर सकते हैं सनी भाई से। और यदि कोई आप बिजनेस करना चाहे तो इनके साथ शुरू भी कर सकते हैं। बहुत खूब, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।